नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा चैट रूम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शादियों में हलवाई जिस तरह से मिनी कचौरी बनाता है, मूंग दाल की चटपटी एकदम खस्ता, उस तरह से मिनी कचौरी आज हम बनाने वाले, वो भी एकदम आसान तरीके से, एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल। और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं, 4-5 दिनों तक ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने 1/2 कप मूंग दाल ले ली है। इसे हमें 2 से 3 घंटे तक भिगो कर रख देना है। तो ये 2 से 3 घंटे तक मैंने भिगोई हुई दाल ली है। इसे मिक्सर के जार में हमें डालकर दरदरा जो है वो पीस लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये दरदरी पीस कर मैंने रख दी है। 1 इंच अदरक और 7-8 कली लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने बनाकर रख दिया है। पैन गरम करके उसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून तेल गरम करके सरसों, जीरा, दरदरा पीसा हुआ सौंफ, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से रोस्ट कर लेनी है। बहुत ही बढ़िया अरोमा जो है वो इसका आ रहा है, सौंफ, जीरा। तो इस तरह से ये अच्छे से गुलाबी होने तक रोस्ट करना है। उसमें हमें हींग पाउडर ऐड करना है। 1/2 टीस्पून तक शक्कर मैंने ऐड किया है, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चटपटापन के लिए मैंने आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें मसाले अच्छे से डालकर उसे मिक्स कर देना है। आप चटपटेपन के लिए उसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले डालने के बाद उसमें दरदरी पीसी हुई मूंग दाल हमें ऐड करनी है और वो अच्छे से रोस्ट कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं, ये अच्छे से भूनकर हमें उसमें पानी जो है वो छिड़कते जाना है, क्योंकि दाल जो है हमें सूखी ही पकानी है। तो उसे थोड़ा बीच बीच में पानी ऐड करके उसमें उसे पकाना है। स्वादानुसार नमक मैंने ऐड कर दिया है और अच्छे से हमें मिक्स करते जाना है। तो आप देख सकते हैं, अभी भी ये काफ़ी ड्राई है, तो फिर से हमें कुछ पानी इस पर छिड़क देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से ज़्यादा पानी ऐड करना नहीं है, सिर्फ हाथ से उसे छिड़कना है, स्प्रिंकल करना है। तो इस तरह से मैंने पानी ऐड करके उसको रख दिया है और ढक्कन रखकर हमें उसे 5 से 7 मिनट तक पका लेना है। दाल अच्छे से पक गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। उसमें मैं 2 टेबलस्पून तक मैंने इमली और गुड़ का जो चटनी होता है खट्टा मीठा, वो ऐड किया है चटपटेपन के लिए। आप चाहे तो उसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो अपनारी फिलिंग की वाले वो रेडी बन हो गई है। तो बाहर की आउटर लेयर के लिए 2 कप मैंने मैदा लिया है। तो 1 कप मैदा लेकर मैंने पहले उसे छान लिया है, दूसरा भी उसमें ऐड करके अच्छे से उसे छान लेना है। उसमें 1 टीस्पून तक नमक ऐड किया है मैंने। उसके बाद फ्रेंड्स, उसमें आप चाहे तो तेल डाल सकते हैं, 4 से 5 चम्मच तक, या फिर घी जो है घर का शुद्ध देसी घी वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने घर का घी जो था वो गरम कर लिया है, 4 से 5 चम्मच वो हमें उसमें ऐड कर देना है। घी जो है वो गरम था, इसलिए केयरफुली हमें चम्मच से पहले मिक्स कर लेना है। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो हाथ से हमें उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो हाथ से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं, अगर इस मिक्सचर का जो है बॉल जो है इस तरह से वो बनना चाहिए, इस तरह से अगर बॉल बन गया मतलब आपका मोयन जो है वो परफेक्ट उसमें लग गया है। तो
इसमें मैं 1 टेबल स्पून तक सेमोलिना रवा जो है वो ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून रवा ऐड करके पानी डालकर हमें इसे गूँथ लेना है। रवा ऐड करने से थोड़ा सा खस्तापन जो है उसमें आ जाता है। तो इसका जो डो है फ्रेंड्स वो हमें सॉफ्ट ही गूँथना है, ज़्यादा थिक नहीं गूँथना है। तो बहुत ही अच्छे से मसलना है हमें, क्योंकि इसकी जितनी हम मशक्कत करेंगे उतना ही डो जो है वो सॉफ्ट बनता है। तो डो बनने के बाद तेल लगाकर मैंने फिर से इसे अच्छे से एक स्क्वीज़ किया है। उसके बाद इसे 1 घंटे तक उसे कपड़े में रख दिया था ढककर। 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं फिर से मसल कर मैंने उसे छोटे छोटे बॉल्स जो है लेमन के साइज़ के वो बना लिए हैं। अब फिलिंग के भी हमें छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं, लेकिन वो जो है वो हमें छोटे बनाने हैं। अंदर की साइड के बॉल आप देख सकते हैं दोनों का साइज़, जो आउटर लेयर है उसका बॉल बड़ा है और फिलिंग का बॉल जो है वो उससे आधा है, मीन्स आधे साइज़ का है। तो इस तरह से ये जो बॉल्स है उसकी हाथों से ही इस तरह से कटोरी का शेप उसको दे देना है, और इसमें ये जो बॉल्स है वो अच्छे से फील करके उंगलियों की सहायता से हमें उसे बंद करना है, और हमारा कचौरी का जो अंदर का फिलिंग है वो अच्छे से हमने भर दिया है। तो अच्छे से उसके बॉल्स बनाकर हमें उसे तलवे पर रखकर इस तरह से फ्लैट कर देना है। ज़्यादा उसको प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से उसे करना है, ताकि हमारी कचौरी जो है वो छोटी छोटी मिनी कचौरी हम बनाने वाले हैं। तो इस तरह से सारी कचौरी मैंने बनाकर रख दी है। तेल जो है वो मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया था अच्छे से। तो 3 से 4 कचौरी मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। तो एक बार कचौरी डालने के बाद हमें बिल्कुल भी उस पर चम्मच जो है वो नहीं डालना है, जब तक कि वो अच्छे से नीचे से गोल्डन नहीं हो जाती है। तो आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट तक मैंने बिल्कुल भी उसको चम्मच नहीं डाला था। 5 से 7 मिनट बाद आप अभी मैं उसे पलटने जा रही हूँ। तो एक साइड जो है वो अच्छे से उसकी होने देनी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रंग जो है गुलाबी रंग कचौरी का आ गया है इस तरह से। तो इस तरह से सारी कचौरी मैंने बना कर रख दी थी। आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता जो है वो कचौरी बनकर रेडी हो गई है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल शादियों में बनती है उसी तरह की, बहुत ही यम्मी चटनी, इमली चटनी और हरी चटनी सेव डालकर मैंने उसे सर्व कर दिया है। तो अंदर का भी फिलिंग बहुत ही चटपटा और आउटर लेयर बहुत ही खस्ता। तो आपको अगर रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।